ये थी चांदी सैकेत की, बहुत ही प्यारी लग रही है। नजर का टिक्का लगाना मत भूलना देविका। सुंदर लग रहे हो तुम, ये लो तुम्हारे लिए एक और। ओ प्लीज आइए, मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। प्रतिमा जी, प्रतिमा ये मेरी आई। नमस्ते, हम लोग मिल चुके हैं पहले। ये मेरी आजी। नमस्ते, ये राधा आजी और ये उनकी बहू सरिता, ये हमारे परिवार जी से ही है। चलिए मैं आपको अपनी सासू माँ से मिलवा लिया। मम्मी, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है प्रतिमा जी। नमस्ते। नमस्ते। केतकी आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है, बहुत चाहती है वो आपको। बेबी से बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बेटी। मेरी बचपन की सहेली, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो। हे मेघा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मेघा, प्रतिमा के लिए कुछ मंगवा दो ना। हाँ, मैं अभी मंगवाती हूँ। इसकी जस्ट एक्सक्यूज अस। हाँ दीदी, एक मिनट। मैं बस ये पूछ रही थी कि कल्याणी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है ताई, बस बाहर गई है कुछ लाने के लिए। ओह अच्छा, अब tell me how is the baby treating you? सो नहीं पाती हूँ मैं आजकल। ठीक ही है। देविका जी। हाँ जी। फंक्शन शुरू करें? हाँ बस थोड़ी देर, कल्याणी आ रही है, फिर शुरू करते हैं। ओह हाँ, या हाँ देविका, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, जब तक नरगिश ये रसम शुरू करे तब तक कल्याणी भी आ जाएगी ना। केतकी। हाय बेटा, रसम शुरू करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि शुभ मुहूर्त है ना, बीता जा रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, कल्याणी आ जाएगी तब तक। आइए चलिए रस्म शुरू करते हैं। आइए। अरे नहीं प्रतिभा जी, केतकी ने आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। मैम, आर यू श्योर? हाँ प्रतिभा जी, बिल्कुल। थैंक यू। बड़ी आई पहले आप प्रतिमा जी, मन ही मन तो चल बुन के खाक हुई होगी। आई। ओह माय गॉड। आई, इतनी खुशी जिंदगी में किसी चीज से नहीं मिलती जितनी खुशी कल्याणी ताई का उतरा हुआ चेहरा देखने में मिलती है। देखो तो सही उसका चेहरा। किसका चेहरा? हाँ? किसका चेहरा? क्या हुआ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं आजी, केतकी की गोद भराई चल रही है ना। वो तो मुझे दिख रही है, और तुम लोग क्या कर रहे हो वो भी दिख रहा है मुझे। तुम लोगों के सारे उल्टे सीधे काम दिख रहे हैं, समझ रहे हैं मुझे? हाँ? चलता चलता रे, कल सी
कल्याणी, ओह माय गॉड, क्या डांस करती हो तुम? सच में? डोंट माइंड मी सेइंग दिस, पर तुम्हें ना गाना वाना छोड़ के एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. नहीं प्रतिमा जी, गाना ही मेरे लिए सब कुछ है, उसके अलावा मुझे और कुछ आता ही नहीं. अच्छा, तो शायद मुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी, मैंने कुछ गलत देखा होगा. मुझे तो लगा था कि तुम बचपन में एक्टिंग करती थी, लाइक मराठी फिल्मों में वो क्या नाम था, पांच रंगा चौक फ्रेम, एज अ जूनियर आर्टिस्ट, एम आई राइट? जी. इंसान को अपने संघर्ष के दौर में कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, लेकिन ये बात वो लोग नहीं जानेंगे जो ऐसे दौर से कभी गुजरे ही नहीं. मगर मुझे अपने कोई भी काम से शर्मिंदगी नहीं है प्रतिमा जी. एक्टिंग मेरा बीता हुआ कल था, मगर गायकी मेरा जुनून है, और आज ईश्वर की कृपा से मेरी आवाज ही मेरी पहचान है. यस ऑफ कोर्स, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इन सब बातों में एक बात तो कहने ही भूल गई मैं, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो. मैंने सुना कि तुम आइटम नंबर्स गाने वाली हो. अब आपको वाकई गलतफहमी हुई है प्रतिमा जी. हाँ, कुछ लोग ऐसा प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए जरूर थे, लेकिन उनकी भी क्या गलती, वो लोग मेरा काम करने का तरीका नहीं जानते थे. वही तो मैं भी सोच रही थी. कि तुम और आइटम नंबर्स, उसके लिए तो केतकी है, तुम्हारे पास क्यों आएंगे? लेकिन ये सब नई नई कंपनीज, यू नो. अब देखो ना, मेरे ही सामने सात आठ और कंपनीज आई थी, म्यूजिक कंपनीज, लेकिन आज एक भी नहीं है सिवाय मेरे. क्यों आए हो यहाँ? मुझे बुलाया गया था. किसने? केतकी. अब पता चलेगा कि उसके साथ क्या होता है जिसके पास प्रतिमा बोस का सपोर्ट नहीं होता.